जिला पुलिस ने बुधवार को तीन संदिग्धों को वारदात करने से पहले ही हथियार सहित धर दबोचा। कृष्णगंज थाना प्रभारी नेम सिंह ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर माकड़वाली रोड स्थित हांडी रेस्टोरेंट के पास बताए गए हुलिये के आधार पर जब संदिग्धों से पूछताछ की तो वे घबरा गए। तलाशी लेने पर तीनों के कब्जे से दो देशी कट्टे और चार जिंदा कारतूस बरामद कर आरोपियों के विरुद्ध आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया। पकड़े गए आरोपी जयपुर निवासी बलिराम मीणा से एक देशी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, रिंकू उर्फ मनोज से एक देशी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और हनुमान साय से दो जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। कार्रवाई को अंजाम देने वाली टीम का नेतृत्व एएसपी राजीव पचार ने किया। एएसपी राजीव पचार के साथ थाना प्रभारी नेम सिंह, स्पेशल टीम के विजय सिंह, एएसआई बाबूलाल चैनाराम, मुकेश शंकरलाल और रतन सिंह शामिल थे। आज से जो मुखबिर से इतला मिली थी कि तीन लोग हांडी रेस्टोरेंट के सामने एक स्विफ्ट डिज़ायर में संदिग्ध अवस्था में बैठे हुए हैं, इस इतला पर जाके उनको हिरासत में लिया तो तीन लोग थे। दो महावीर जी करौली के रहने वाले हैं, एक चाकसू जयपुर का रहने वाला है, जिनके पास में दो देसी कट्टे और चार जिंदा कारतूस मिले हैं। इनके पास से वाहन चुराने के लिए मास्टर की भी मिली है इनके पास में और दो हथियार भी मिले हैं, तो कोई ना कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। हमने इनको हिरासत में लेकर अवैध हथियार बरामद करके आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया है। हिरासत में लिए गए क्रिमिनल्स में एक बलिराम मीणा है जो महावीर जी का रहने वाला है, एक वहीं का रिंकू उर्फ मनोज मीणा है, एक चाकसू के पास का बड़ली गांव का हनुमान साई गुजर है। गंज थाना क्षेत्र में बीती रात अज्ञात चोरों ने कपड़े की दुकान को निशाना बनाकर महंगे कपड़े सहित हजारों रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित दुकान मालिक की रिपोर्ट पर गंज थाना पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। बुधवार को फायसागर रोड से चामुंडा क्लॉथ स्टोर के मालिक महेश कुमार को पड़ोसी भवानी सिंह ने फोन पर बताया कि आपकी दुकान के ताले टूटे हुए हैं। सूचना पर दुकान मालिक महेश कुमार ने आकर देखा तो दुकान के शटर का ताला टूटा था और अंदर रखे गल्ले से 2500 नकदी सहित महंगे कपड़े के थान, लेदर की जैकेट, स्वेटर्स, जीन्स, कोट और रेडीमेड शर्ट्स चोर चुरा कर ले गए। महेश ने बताया कि इस महंगाई के दौर में एक एक रुपया जोड़कर दुकान लगाई थी, उसमें भी चोरी हो गई। पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि इस क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ाई जाए। सुबह 6:30 बजे मेरे को कॉल किया पड़ोस वालों ने, देखे ताला टूटा पड़ा है आपके, आके देखा साहब सब दुकान के अंदर सब माल दिख रहा हुआ, गल्ला वगैरह सारा, गल्ले के अंदर 2500 रुपये थे इसके अंदर, उसमें एक पैसा भी नज़र नहीं आया, सब बिल वगैरह सब ले गए इसके अंदर से, जीन्स हैं, जॉकेट, घाघरा के कपड़े थे, थान, कीमती आइटम कुछ भी नहीं छोड़ दुकान अंदर, सब खोखली करके ले गए साहब। और मेरी प्रार्थना है पुलिस से, सरकार से, कि इस रोड के अंदर व्यवस्था बनाई जाए, सुरक्षा बढ़ाई जाए, रात के अंदर गश्त बढ़ाया जाए, ऐसे ही दुकान कब तक महफूज रहेंगी? हम तो रात में 8 बजे तक चले जाते, सुबह रात भर किसके सहारे जिए, इस महंगाई के दौर में कैसे पैसा कट करके कहाँ कहाँ से लेके आते सर? ये रोड तो रात भर चलता रहता, दिन भर चावड़ा चोरा से खरकेट की ये ट्रक वगैरह, ट्रैक्टर वगैरह सब आना जाना लगा रहता है, और फिर इस तरह की वारदात अचानक रात को जैसे 2 बजे 2:30 बजे आकर के ये चोरी करके चले गए, तो ये क्या, इससे यहाँ का माहौल जो है एकदम सब लोग परेशान हो गए, आइंदा किसी भी घर पे, किसी भी दुकान पे कहीं भी चोरी हो सकती है। तो इसका जरा प्रशासन से है निवेदन कि भाई ध्यान रखें और उन चोरों का पता लगा, इन गरीब की मदद करके कैसे करके और हेल्प करें।